जिला पुलिस सोलन की अपराध बैठक पुलिस लाइन सोलन में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता एसपी मधुसूदन शर्मा ने की। इस दौरान सोलन जिला के सभी थानों में लंबित पड़े मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई। पुलिस अधीक्षक ने लंबित मामलों को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में सभी पुलिस थानों के प्रभारियों के अलावा अन्य अराजपत्रित कर्मचारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर उप पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, एसडीपीओ दाड़लाघाट अमित शर्मा के अलावा अनेक पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। अधिक जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा ने बताया कि जून माह के तीसरे सप्ताह में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय शूलनी मेले में सुरक्षा व्यवस्था के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इसके अलावा अगले माह प्रस्तावित WWE प्रतियोगिता के संचालन के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि महिला सुरक्षा, यातायात प्रबंधन के बारे में भी विचार विमर्श किया गया। इस मीटिंग में हमने जो हमारे अपराध होते हैं उनका अन्वेषण सुचारू रूप से चले और कैसे चले उसके बारे में चर्चा की गई। इसके अलावा ज़िले में कानून और व्यवस्था को कैसे ठीक तरीके से चलाया जाए और क्या जो हमने कार्रवाइयाँ करनी है, क्या सावधानियाँ बरतनी है, उसके बारे में चर्चा की गई। शूलनी मेले को कैसे हम कानून और व्यवस्था को ठीक तरीके से चला सकें और जब ग्रेट खली आएंगे तो उस समय जो भी हमें अपने सिक्योरिटी अरेंजमेंट करने होंगे उसके बारे में भी चर्चा की गई। सोलन से अमरप्रीत पुंज की रिपोर्ट।